ਨਾਮ ਰਤਨਾਕਿਆ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਤਨਾਕਿਆ ਦੀ ਸੁਖਮਾ ਜੀ ਨੇ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸ਼ੋਰਾ ਜੀ 46ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ 46ਵੀਂ ਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਮੁਖਿਆ ਦੀਦੀ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ 56ਵੀਂ ਵਾਰ 57ਵੀਂ ਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਤਨਾਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 37ਵੀਂ ਵਾਰ उसके बाद श्री रमेश कुमार वो एक हेलमेट और एक प्रमाण पत्र चौधरी साहब से ग्रहण करेंगे जी पुनिया जी रक्तवीर हैं उन्होंने भी आज रक्तदान किया है गौरव जी गौरव सुरेश कुमार ये लगे हुए हैं अपने काम में और सबसे बड़ा इनकी विशेषता यह है कि पिछड़े जिले में होते हुए भी राष्ट्रपति से दोनों मियां बीवी दोनों ही सम्मानित हैं और मैं तो जो संपन्न जिले हैं जैसे गुड़गांव है फरीदाबाद है पंचकूला है हिसार है करनाल है इन जिलों में काम भी समाज सेवी संस्थाओं के पास है और उनकी पहुंच भी बड़ी है हमारे यहाँ तो पहुंच भी नहीं लेकिन रक्तदान का जो कार्य है वो सब जानते हैं चावला जी भी आपके बीच में बोल के गए कि चावला जी हमारे शिवनारायण शर्मा जी और अमरपाल राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के और सभी आज बहुत से ऐसे साथी हमारे आए हैं अगर किसी ने मेरा पहला प्रयास देखा हो 1976 में नहीं 1980 में मैंने एक सफेदों में रक्तदान शिविर लगाने की कोशिश की थी आज से 40 साल पहले और हमने मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के एक मंत्री थे राजेश पायलट जी उनको बुलाया था और उनको ये कहा था भाई आपके वजन के बराबर हम खून देंगे आप आओ तो मैंने जोर लगा लिया सरकार भी हमारे हिसाब की थी सरकार से भी कहा भाई कुछ तो लाओ 30 आदमी इकट्ठे हुए और कई जबरदस्ती लेके आए हम उनके माँ बाप साथ आए लेके उठते लेके खून दिया करे बावड़ा हो रहा तो इतना तो रहेगा नहीं तो ये नरेंद्र घंटस भी कह रहे थे कि हम भी लगाएंगे अब तो 40 साल पहले का नरेंद्र घंटस होता तो कहता जी बिल्कुल नहीं लगता और कुछ करवा लो खून ना कटवाओ ये परिवर्तन है 40 साल में एक ऐसा परिवर्तन है कि आज मैं यहाँ जो बच्चों से बात कर रहा था जो नौजवान अपना रक्तदान कर रहे थे वो आगे बढ़ के दूसरे से पीछे पीछे करके दूसरे को अब जी इसका तो 6 बह का है मैंने 19 बार दे चुका हूँ और एक बार मेरे सज्जन ये सुभाष ने मिलवाया वो 60 बार 61 हाँ 61 बार तो कई चीजें ऐसी हैं जो जो हमारे विश्वास का या अविश्वास का शिकार हुई है और रक्तदान भी ऐसा ही था कि हम ये मानते थे कि ये किसी का खून लेंगे तो उसकी सेहत पे असर बुरा पड़े लेकिन आज सब मान गए अभी चावला जी कह रहे थे कि 300 यूनिट लेते हैं हम 300 ग्राम मिली लीटर हाँ
300 मिलीलीटर लेते हैं और ये मेरे लिए नई सूचना थी कि जो ही लेंगे बढ़ना भी शुरू हो जाता है उसी टाइम, तो कमजोरी नाम की तो चीज ही नहीं। तो ये परिवर्तन है सोच में, हमारी युवा पीढ़ी के सोच में और पुराने लोगों की सोच में। मैं तो अब 74 साल का हो जाऊंगा इस महीने, मैं भी एक बार खून देने चला गया था, मेरी माँ पाछे पछाए कड़े जाओगा खून दिया कर उल्टा लेके पकड़ के, और एक बार मैंने खून देने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने मेरा वो तो लगा दी ड्रिप वगैरह, लेकिन मेरे को लगा कि उन्होंने निकाला नहीं। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछ लिया, मैं कहा भाई मैं दे रहा था खून, कहने लगे जी आप VIP हो, हमने बस वो दिखावा कर दिया कोई तरह के। हाँ नेता लोगों को ये भी फायदा है और फोटो भी उनकी आओगी, आगे ने खून दे दिया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कोई जरूरत नहीं जी और बते रहे कार्टून। तो ये व्यवस्था का व्यवस्था पे हम इतना यकीन कर बैठते हैं। अच्छा मैं जब डॉक्टर ने मेरे कान में ये बात कही तो मैंने सोचा अब दोबारा जाएगा तो तेरी वैसे पोल खुलेगी, तो मैं भी वापस आ गया वैसे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि एक नई पीढ़ी नई सोच और आगे बढ़ने की सोच, और जो मिथ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन मिथ के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है कि, और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली मेडिकल साइंस ने कि अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है वो अपने यहां भी आ जाएगी, नहीं आई तो 6 महीने में साल में, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। उसमें आदमी ने सारे ने काट दो ऑपरेशन कर दो खून नहीं निकलता, जब उसका पेट काट दो टांग काट दो ऑपरेशन करने सर्जरी करने के लिए उसमें खून नहीं निकलता, क्योंकि वो इतनी महीन और इतनी बारीक है उसके औजार के काट देंगे खून नहीं निकलेगा। तो उससे भी एक नई सोच पैदा होगी और फिर सिर्फ उनको खून की जरूरत पड़ेगी जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें तो ऊपर वाले की होती है कृपा, बाकी तो एक्सीडेंट में कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। अपने देश में 2,40,000 आदमी हर साल, आदमी औरतें एक्सीडेंट में मरते हैं, कोई रेल के एक्सीडेंट में, कोई मोटर गाड़ी के एक्सीडेंट में, कोई जहाज के एक्सीडेंट में, 2,50,000 के करीब लोग। और हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, इसमें भी 14,000 से ज्यादा एक्सीडेंट में मौतें होती हैं। चोट तो कितनों को लगती होगी अलग बात, इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर आप उनको मदद ना दो खून की, आप रक्तदान ना करो, तो बड़ा कठिन काम है। अभी जिन्होंने 63 बार खून दिया इनका वो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव, हाँ ये मिलता ही नहीं, ये 100 में से 2 अंक है वो है बाकी हम कहते हैं दूसरे। तो ऐसा ऐसा खून तो बहुमूल्य है और इसके देने वाले भी कम होते हैं। तो मैंने तो देखा खुद कि आज ये नौजवान बच्चे खुले मन से आते हैं, मैंने बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लाइन में बैठे देखे, जैसे भीख मांगने वाले बैठे होते हैं ना मंदिर के बाहर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग बैठे होते हैं
अब नहीं, अब की बात नहीं कर रहा मैं, अब भी है लेकिन अब उसकी मात्रा बहुत कम है, क्योंकि खून देने वाले अब हमारे नौजवान है, वो वहां अपना खून बेचते थे, कोई किसी को खरीदना हो तो अपना बेचने के लिए बैठते थे वो लोग। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी में इस बात पे एक सोच बनी और खुले मन से माँ बाप ने भी ये मान लिया कि ये कोई बुरी बात नहीं है। तो कई चीजें हैं जिनमें भ्रम पैदा हो जाता है, माँ बाप के मन में भी, भाई के मन में भी, अपने खुद के मन में भी। तो इन ऐसी भ्रमित स्थिति से उभर के हमारा जिला आया है, और जैसे भाई सुभाष ने बताया कि हमारे पास स्टोरेज की भी, इसको रखने के लिए भी पर्याप्त जगह है। और पीछे पीछे तो मैंने देखा पटियाले तक की टीम आती थी यहाँ से रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए, मेडिकल कॉलेज रोड तक की तो बहुत ही आती थी। तो आपने ये प्रयास किया और अपने पिताजी की याद में आपने ये कार्यक्रम रखा, ये भी एक आपका बहुत बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को आज रक्तदान शिविर में मौका मिला है अपना रक्तदान करने का, उनको आप ये हेलमेट भी दोगे। मैंने इसीलिए जिक्र किया कि जान लेवा चीजों को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं और जान बचाने वालियों को कम मानते हैं। ये हेलमेट जो है, मैंने देखा कि कोई पुलिसिया खड़े हो तो पैर लेके उसी जाते तार के फिर। ये बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने जिक्र किया आपको, जितने एक्सीडेंट है 2.5 लाख आदमी मरते हैं सड़क हादसे में, उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अगर हेलमेट पहने होते तो उनकी जान बच जाती। तो जिस संस्था ने अपने सुभाष जी के और इनके साथियों को ये भी एक इंसेंटिव है, सहायता है कि उनको हेलमेट दिए जाएंगे, ये सिर्फ उनको इंसेंटिव इस बात का नहीं, बल्कि जो दूसरे बैठे हैं हमारे जैसे, वो भी ये सोचेंगे कि हमें भी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी जरूरी है, ना तो अपने भाई के स्कूटर पे पाछे बैठ के भाई तो टोपा पहन लेगा और वह बिना उसके टोपे के हो, घरवाली हो वो बिना टोपे के हो, एक्सीडेंट हो जाए तो पिछला जो बैठा है उसके गड़े चांस है ऊपर जाने के। तो उसके लिए भी जरूरी है, और कई तो चार चार पांच पांच बैठा ले, यहाँ तो फिर भी टोक कम है, दिल्ली में तो टोक भी बहुत है, फिर भी छोटा गुड्डू भी बड़ा गुड्डू भी आगे फिर चलान आला, और फिर उसकी जो बीवी है उस चलान आले के बीवी के बीच में पटला छोरा, पांच बैठेंगे तो मामला आज नहीं तो कल गड़बड़ तो होगा, मरेंगे नहीं तो टांग टूंग तो तो इन चीजों से भी हमारे को, ये सही बात है, आज एनजीओ है, इनको मिला इनाम मिला, अवार्ड दिया गया, इनको इनका काम ही ये है कि इन चीजों के लिए लोगों को जागृत करें कि जिंदगी बहुत, इससे बड़ा कोई, इस कुदरत की जो रचना है इसमें जन्म लेना और फिर जिंदगी जीना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, ये बार बार नहीं मिलती। और अपना हिंदू धर्म तो कितने 84 लाख तो नंबर आना ही नहीं कर देता तारा और हमारा, इसलिए जीने के लिए हर साधन जुटाओ, कोई किसी को खून की जरूरत है, किसी को, अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था कि जो हमारे शरीर के जैसे आंख है, मरने के बाद दान देते हैं लोग, हमारा फेफड़े हैं, हमारी किडनी है, हमारा दिल है, डॉक्टरों ने अब ऐसी
सोच पैदा करती है कि 24 घंटे तक कोई मरा हुआ इंसान अगर अपना दिल दे दे, अपनी किडनी दे दे, अपनी आंख दे दे, और उसमें लिखा है कि हमारे देश में जनसंख्या बड़ी है इसलिए हम हजारों लोगों की जिंदगी, जब कोई मृत्यु शैया पे होता है जिसको पता है कि मौत आनी है, परिवार को भी पता है, वो अगर अपने शरीर के इन अंगों को दान करता है तो वो एक नहीं, दो नहीं, 10 आदमियों तक की भी जान बचा सकता है। तो ये बातें, हाँ ना, सोच फिर देख लिए जब लवा लागे काम। हाँ नहीं, हंसने की बात नहीं, मेरे को कैंसर है 2.5 साल से। डॉक्टर ने बोला जी इलाज करवाना हो तो इलाज भी कर सकूं, और आप ये भूल जाओ ये मेरा है तो 10 साल की तो मैं गारंटी दूं। मगर भाई ठीक है, बेहतर का हूँ, 2 साल पहले की बात है, मगर 80 तक की तो गारंटी है, मैं तो भूलने गया। हाँ मैं मकान हूँ तो बता दो डॉक्टर साहब को दवाई दुई लेनी है कि नहीं। मैं बोला कुछ दवाई की जरूरत नहीं, मगर खान पीन का नहीं, बोला कुछ खाओ पियो। तो सुभाष तो समाज सेवी है, ये इसकी हिम्मत की बात है, लेकिन इसको सोचना नहीं, जिंदगी जीने के लिए, और अच्छी जिंदगी जियोगे तो आप अपने परिवार को भी अच्छा बनाओगे, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने शहर को। जिंदगी जीने वाला आदमी हमेशा लोगों के लिए कुछ करता है। तो ये प्रयास है हमारे हमारे समाज के, और ये प्रयास वैसे ही हैं जैसे पुराने जमाने में, आपको पता होगा कोई ब्याह शादी में किसी को पैसे की रुकावट आ जाती थी तो सारा गांव पैसे जुटाता था उसको, बाद में फिर वह चीज न्योंदा निधार में होगी। ये अपनी ये जिंदगी बचाने के प्रयास हैं, चाहे रक्तदान है, चाहे अपने अंग दान है, ये कितनी ऐसी चीजें हैं जो समाज को जरूरत है, और समाज के जो कार्यशील और जो समाज साथियों को जिन्होंने आज रक्तदान किया उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, और जिंदगी में वो एक ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं, एक ऐसी, क्योंकि दान तो कई तरह के होते हैं लेकिन इससे बड़ा दान कोई नहीं जो आपने किया है, और इसीलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और समाज और अच्छी तरह से जागृत हो, विकसित हो, समाज में लोगों की जहां उनकी जिम्मेदारी है, उनकी उनके कुछ हक भी हैं, कुछ उसूल भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी है, इनको मिला के जब आप चलेंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तगड़ा होगा, और भाईचारा और प्रेम हम अपने समाज में बना के रखेंगे। अंत में फिर मैं सुभाष को और उनकी धर्मपत्नी मंजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।